क्लास एट, सब्जेक्ट सोशल साइंस, सिविक्स, चैप्टर सेकेंड, सेक्युलरिज्म। आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन आवर प्रीवियस वीडियोज, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेक्युलरिज्म। द वर्ड सेक्युलरिज्म हैज इट्स ओरिजिन इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ द चर्च फ्रॉम द स्टेट। इट हैड थ्री एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, इट गेव द स्टेट ए पोजिशन ऑफ न्यूट्रलिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। इट गेव ऑल सिटीजन्स द राइट टू प्रोफेस ए रिलीजन टू देयर ओन चॉइस। रिलीजन इज कंसिडर्ड एज प्योरली एंड एस्टिकली प्राइवेट अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल हैविंग नथिंग टू डू विद द स्टेट इज द लास्ट। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को, अपने रिलीजन को चुनने की आज़ादी है और अपने धार्मिक स्थान पर जाकर पूजा पाठ करने की छूट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नाउ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कंटेस्ट। इंडिया हैज बीन डिफाइंड एज ए सेक्युलर कंट्री इन आर्टिकल 25-28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी विल बी एबल टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डिटर्मिनेट आवर रिलीजियस कम्युनिटीज। सम पावरफुल मेंबर्स डू नॉट ऑप्रेस अदर मेंबर ऑफ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटीज। द स्टेट डज नॉट फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑन पीपल और अटैक देयर रिलीजियस फ्रीडम। इन वॉट वे डज द इंडियन स्टेट फंक्शन एज सेक्युलर। नंबर फर्स्ट, द स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। कोई भी राज्य किसी भी खास रिलीजन को, खास धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। नन ऑफ दीज ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोमोट और डिस्करेज एनी रिलीजन। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाई एनी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, मीनिंग देयर बाई डेट नाइदर द सेंट्रल नॉर द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ओनली बाई द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप्स। मोर ओवर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेक्रेटरिएट्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट अपोज टू प्रोमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नन इंटरफ्रेंस इज द सेकेंड। द स्टेट एंश्योर सेक्युलरिज्म बाई नॉट इंटरफेरिंग इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटीज। द स्टेट रिस्पेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ एवरी रिलीजन। द स्टेट मेक्स अरेंजमेंट टू फैसिलिटेट पिलग्रिमेज टू होली प्लेस एंड टेक आउट रिलीजियस प्रोसेसिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजुडिस। हाउएवर, द स्टेट गिव्स स्पेशल कंसेशंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। द स्टेट राइट टू इंटरवेन। आवर कंस्टिट्यूशन does not talk of complete separation of state and religion. Religious freedom does not mean that the state will not be able to make a law for social reform. Even though some social custom may have assumed a religious form, this right of religious freedom does not prevent the state from opening the gates of all Hindu institution for all the Hindus. Similarly, untouchability has been declared as a punishable offense by the constitution. Now, summary of the chapter, it means conclusion of the chapter. Thus, on the basis of above, we can say that India is a secular state and tries to prevent dominating of one community by another. The fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution are based on the principle of justice and equality. However, these rights are often violated. It is essential to make the administration efficient to prevent the frequency and recurrence of these violations. Now it's time to your homework. First, read and understand topics carefully covered under chapter and then solve question answer from book
एंड रिमेंबर क्वेश्चन आंसर एंड आस्क एनी क्वेरी इफ यू हैव विदाउट एनी हेजिटेशन. थैंक यू.